प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग सबसे पहले मैं अपने श्रोतागण को नमस्कार कहूँगा। दिनेश यादव का प्रणाम। हम लोग इस समय छुटकी ठकुराइन फिल्म की शूटिंग पर यहाँ पर आए हैं और रोहतास जिला जबरा गांव में हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। आज हमारा क्लाइमैक्स चल रहा है और आपको बता दें कि बड़ा ही खूबसूरत लोकेशन मिला है, जहां पर हमें लगा नहीं था कि इस तरह का चीज़ें यहां पे पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जो क्लाइमैक्स था हमने पहाड़ सोचा था और जिस एरिया में हम लोग शूटिंग कर रहे हैं वहां पहाड़ जैसा कुछ नहीं था, लेकिन जबरा गांव में एक आकस्मिक पहाड़ हमें देखने को मिला कि कहीं पहाड़ का वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पहाड़ मिला जो इतना खूबसूरत है कि हमारा जो फिल्म का क्लाइमैक्स है बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ शूट हो रहा है। नहीं बिल्कुल, जिस तरह से आपको याद आया कि बंदूकें लेके जो पहाड़ पर खड़े थे, अपना कालिया खड़ा था और सांभा खड़ा था, तो कहीं ना कहीं उसकी झलक आपको देखने को इस फिल्म में ज़रूर मिलेगी। और उसी तरह का कुछ लोकेशन यह भी है, पहाड़ है पूरा और रिक्वायरमेंट था इस फिल्म में इस पहाड़ का और पूरा प्रयास किया गया है काफ़ी। आपको उस तरह के जो ठाकुर, चूँकि आप टाइटल से ही समझ जाएंगे छुटकी ठाकुराइन, तो ठाकुराना वाला अंदाज तो सिनेमा में रहेगा ही, तो बंदूक ना रहे, ठाकुर वाली फिल्म है, बंदूक राइफल ना रहे तो समझ सकते हैं आप, तो इसलिए वो सारा चीज़ व्यवस्था है और बहुत बढ़िया तरीके से फिल्म की शूटिंग हो रही है। मुंबई से तो राइफल हमारे आए हुए हैं, जो हमारे फाइट मास्टर हैं उन्होंने तकरीबन 100 से अधिक राइफल लाए हैं मुंबई से, लेकिन इस गाँव में आने के बाद पता चला कि इस गाँव के हर घर में जो है वो बंदूकें हैं, राइफल हैं, तो लगा कि नहीं यार ओरिजिनल ही इस्तेमाल कर लिया जाए। हमें पहले से पता होता तो वो पैसा बच जाता, लाते नहीं यहाँ पे। जो दिखाने के लिए हैं सिर्फ रखते हैं, इस्तेमाल हमारा जो मुंबई से हथियार आए हैं हम उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सिर्फ दिखाने के लिए सिनेमा में लोग लेके खड़े हैं, बाकी शूट जो हो रहा है वो जो हमारा मुंबई से राइफल आया उससे कर रहे हैं। मैं अपनी सारी फिल्मों में एक्टिंग करता हूँ डायरेक्शन के साथ साथ, बट इससे पहले भी कई फिल्मों में मैंने एक्टिंग की है जिसमें मेरा कोई निर्देशन नहीं था, क्योंकि सभी मेरे दोस्त जो डायरेक्टर हैं वो जानते हैं कि मैं एक्टिंग करता हूं और उनको लगता है कि नहीं दिनेश यादव के लिए ये रोल बहुत परफेक्ट है तो मुझे बुलाते हैं, तो उनके प्यार में चला आता हूं। यहां भी कुछ ऐसे ही है, प्रोड्यूसर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और उनकी दूसरी फिल्म मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो उस लिहाजा से भी मैं लोकेशन भी देखने आया हूँ यहाँ पर, और बड़ा उनका ये था कि मैं इस फिल्म में एक्टिंग भी करूँ, तो उनका जो उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया था मैंने कहा ठीक है, अब जब आए हैं तो एक्टिंग भी कर लेते हैं। एक एक्सपीरियंस तो है, आप जानते हैं जब मैंने कहा कि मैं अपनी फिल्मों में डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग करता हूं, तो मेरे लिए कोई बहुत ये नहीं रहता कि मतलब दिक्कत होगा या कुछ इस तरह की बातें होंगी। हाँ, जब एक्टिंग करते हैं तो हमें डायरेक्शन वाला चिंता नहीं रहती है, उस समय ये भी रहता है ये भी करना है, डायरेक्शन भी करना है, एक्टिंग भी करना है, तो बहुत सी चीज़ें मतलब वहाँ मैनेज करनी होती हैं, बट यहाँ पे सिर्फ ये है मज़ा आता है एक्टिंग का, यहाँ पर सिर्फ 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 एक्टिंग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, आनंद ले रहे हैं एक्टिंग का अपने जो हमारे दोस्त हैं अंजना हैं, यश हैं, रानी हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ काम करके। और इससे पहले भी रानी और हमने मेरी फिल्म सुरक्षक में भी हमारी जोड़ी काफ़ी हिट रही है और हम दोनों पार्टनर थे, काफ़ी चोर बने थे उसमें, तो वो भी एक बड़ा अच्छा हमारी अच्छी केमिस्ट्री थी हमारी। यश के साथ मैंने फिल्म किया मेरी डायरेक्शन में ही, और नागराज हमने अभी किया था तो उसमें भी मैं एक्टर भी था और डायरेक्टर तो था ही। और आपको बता दें अभी खुद्दार मेरी फिल्म जस्ट अभी 11 तारीख को मेरी मुंबई में खुद्दार फिल्म रिलीज हो रही है, तो उसमें आपको मेरे अलग अलग तरह के रूप देखने को मिलेंगे। इस बार पहली बार भोजपुरी में शायद इसे पहले कोई किया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तकरीबन 9 किरदार निभाए हैं उसमें खुद्दार फिल्म में, तो आपको उसमें अलग अलग मेरा रूप देखने को मिलेगा, बहुत इन्जॉय करेंगे। तो मेरे दर्शकों से भी अनुरोध है, 11 तारीख को मुंबई में फिल्म रिलीज हो रही है, मुंबई गुजरात में, तो आप लोग ज़रूर खुद्दार फिल्म को देखें और अपना प्यार आशीर्वाद दें। पहली फिल्म जब डायरेक्टर था तब भी रानी थी, और जब मैं असिस्टेंट बन के आया था फिल्म दीवाना में तब भी रानी थी, तो हमारी जोड़ी 2008 से हम लोग की जोड़ी चल रही है और बड़ा अच्छा उसी समय से केमिस्ट्री था, दोस्ती अच्छी हो गई थी और यह सिलसिला चलता रहा। और 2012 में जब मैं डायरेक्टर बना तो रानी को ही मैंने कास्ट किया, क्योंकि एक दोस्ती निभाने का भी वो ये था, और उसमें मैंने कलुआ को, विजय वर्मा को हीरो लिया था, तो वो सिनेमा पहली फिल्म मेरी बड़ी ज़बरदस्त, बिहार हर जगह चली थी, तो
एक शुरुआत था, और आज रानी के साथ तकरीबन 4 फिल्में किया प्रेम दीवानी में, तो बहुत अच्छा रहा। दिलीप जी बड़े सुलझे हुए इंसान हैं और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, राइटर भी हैं। उन्होंने जो छोटकी ठकुराइन का जो कॉन्सेप्ट सुनाया, उनकी सोच बड़ी अच्छी लगी कि किस तरह से लोगों को प्रेजेंट किया जाता है, जो एक महिला प्रधान फिल्म है उन्होंने, और बहुत कम लोग सोचते हैं महिला प्रधान के बारे में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा पुरुष प्रधान देश है और सिनेमा में भी पुरुष को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन उन्होंने महिला प्रधान को। आशुतोष जी बड़े ही क्या कहें, एक ऐसे निर्माता हैं जिनके लिए मतलब मन करता है कुछ भी करने के लिए। आज हम उनके घर पर पूरी टीम रुकी हुई है, उनके गांव में पूरी टीम रुकी हुई है, आज सारा व्यवस्था यहां का उनके द्वारा किया गया है, तो बहुत आनंद आ रहा है। एक अच्छे इंसान के साथ काम करने में मज़ा आ रहा है, और कहीं ना कहीं सिनेमा जो है ये बन रहा है उनके देखरेख में बन रहा है, उनके क्षेत्र में बन रहा है, तो यहां के लोगों को भी बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और अगर हम कहीं और होते शायद तो इतना सपोर्ट नहीं मिलता, चूँकि एक वो निर्माता के साथ साथ वो नेता भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वो भूमिका बड़ा काम आ रही है कि एक बार किसी को कहते हैं तो वो हट जाते हैं, तकलीफ़ें नहीं होती हैं। तो इसमें आशुतोष जी की बड़ी अच्छी भूमिका है कि उनके रहने से हमें तकलीफ़ें नहीं हो रही हैं। सम जी बड़े पुराने निर्देशक हैं, पुराने दौर से हैं, मतलब कहने का मतलब यह है कि काफ़ी अनुभवी हैं, तो उनका काम यहाँ जो चल रहा है शूटिंग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आशा करते हैं बढ़िया काम आगे भी होगा और एक अच्छा सिनेमा बनाएंगे वो। दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि छोटकी ठकुराइन फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म बन रही है, पारिवारिक फिल्म बन रही है, साफ़ सुथरी फिल्म बन रही है। इस फिल्म के बारे में यही कहूँगा कि आप अपने परिवार के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, किसी के साथ भी बैठकर देख सकते हैं, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है भाई। ये साफ़ सुथरी फिल्म है, टाइटल इतना बढ़िया है छोटकी ठकुराइन, तो एक आपको देसी जो महक है वो नज़र आएगी इस फिल्म में। और यश मिश्रा, अंजना सिंह, रानी चटर्जी, ये सारे लोग जितने हैं, सुशील सिंह जी हैं, तो पूरा कास्टिंग भी इसका बहुत तगड़ा है। काफ़ी इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं जिनका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, जितने भी लोग हैं एक दमदार भूमिका में हैं, और सिनेमा देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग से अनुरोध है, जब भी सिनेमा पर्दे पर आए आप सभी लोग इस फिल्म को देखें, अपना प्यार और आशीर्वाद दें। प्लैनेट भोजपुरी।